नमस्कार, बोलिए जय श्री कृष्णा। 1 फरवरी 2021 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 1। 1 नंबर वालों के लिए आज प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन से फ़ायदा हो सकता है। तो यदि प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, घर लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित डिसीजन ले सकते हैं। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, जो काम आपके अटके पड़े थे उन्हें करने की कोशिश करिए, सफलता मिल सकती है। उपाय क्या करें? भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिव जी को जल अर्पित करें और 21 बार ओम नमः शिवाय का वहीं बैठ करके जाप कर लें तो अच्छा रहेगा। बारी आ गई 2 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। 2 नंबर वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि ये समय अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बढ़ने देने का नहीं है, यानी अपने मन में पॉजिटिव भाव को बढ़ाइए, ऐसी सोच डेवलप करिए जो आपको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता प्रदान करे। और हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के काम करिए तो अच्छा रहेगा। यदि किसी बात को लेकर के मन में टेंशन है तो आप अपने परिवार वालों से वो बात जरूर शेयर करिए। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए सलाह ये है, आलस्य छोड़ करके एजुकेशन पर, अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? आज किसी गरीब को 1 किलो दूध का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई 3 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 3। 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन धन लाभ कराने वाला है। पैसा आपको कहीं से मिल सकता है या कहीं पैसा अटका हुआ था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में किसी भी तरह की ईगो से बचने की सलाह है। उपाय क्या करें? 3 नंबर वाले आज अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और जो भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, करेंगे, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई 4 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4। 4 नंबर वालों को आज मित्रों के सहयोग से फ़ायदा होगा। आपके दोस्त आपके काम आएंगे। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों से सपोर्ट भी ले सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। यदि 4 नंबर वाले कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, पूरी प्लानिंग करके काम शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एक विशेष सलाह आपके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही हाथ डालिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना होने पाए। उपाय क्या करें जिससे सब कुछ बढ़िया हो? अपने घर के मंदिर में एक धूप जलाइएगा, सुगंधित धूप, और भगवान को प्रणाम करिएगा, सब कुछ शुभ रहेगा। बारी आ गई 5 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। 5 नंबर वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि व्यापार से संबंधित यदि लेन देन कर रहे हैं तो सोच समझ के फैसला करिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। 5 नंबर वाले अपने परिवार पर थोड़ा और ध्यान दें, परिवार वालों के साथ किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ने ना दें, घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। और ख़ास सलाह, ये समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिए और खान पान को ठीक रखिए। उपाय क्या करना है? आज भगवान शिव के मंदिर में जाइए, पूरे शिव परिवार को जल चढ़ाइए और एक पीला फूल, गेंदे का फूल, भगवान शिव को चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, जो मांगना चाहते हैं मांगिएगा, बहुत शुभ रहेगा, फ़ायदा होगा। बारी आ गई 6 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। 6 नंबर वालों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको कहीं से पैसा मिल सकता है या आपने कहीं निवेश किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। 6 नंबर वाले
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलने से पहले सोच लें, जो बात गैर जरूरी हो उसको ना बोलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। छः नंबर वालों के लिए एक अच्छी सलाह ये है कि यात्रा पर यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यात्रा से आपके लिए अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय क्या करें? छः नंबर वाले आज दुर्गा चालीसा पढ़ें और माँ दुर्गा को प्रणाम करके उनसे जो मांगना चाहते हैं मांगेंगे तो मिलेगा। बारी आ गई सात नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 7। सात नंबर वालों के लिए आज का दिन अपने घर के परिवार वालों के सहयोग से लाभ कराने वाला है, तो आप अपने परिवार वालों की सलाह लीजिएगा, उनकी मदद से काम करने की कोशिश करिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। सात नंबर वालों के लिए विशेष सलाह ये कि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए, जो कैपेसिटी है उसका अच्छे तरीके से यूज़ करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, थोड़ा और जोर लगाने की आवश्यकता है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उपाय क्या करें? किसी एक गरीब बुजुर्ग को कोई मीठा फल दान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, आप अनार सेब जो मन करे दान करेंगे अच्छा रहेगा। बारी आ गई आठ नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 8। आठ नंबर वालों के कार्यों के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आज घर परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे, संतान से शुभ समाचार मिलेगा। और हाँ, यदि आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज के लिए यात्रा टाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक खास सलाह, किसी भी बात को लेकर के किसी से उलझे नहीं, नहीं तो टेंशन बढ़ सकती है। उपाय क्या करें? आज हनुमान चालीसा पढ़ के अपना काम शुरू करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई 9 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 9। 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है, यदि कहीं इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा, किसी मित्र के सहयोग से आपके काम बनेंगे। और हाँ, यदि अनजान लोगों से मुलाकात हो रही है तो उनसे बातचीत करें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा ना करें, जो भी बात कहनी है, जो भी भरोसा करना है उसमें अपनी समझ को बनाए रखना है, यानी सोच समझ करके फैसला करना है। 9 नंबर वालों के लिए विशेष सलाह ये है कि आपका स्वभाव आपको फ़ायदा कराएगा, इसलिए अपने स्वभाव में किसी भी तरह की कटुता को बढ़ने ना दें, खूब विनम्र बने रहिए। उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को लाल रंग के फल दान करिएगा, जैसे सेब है, अनार है, इसका दान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। तो अंक भविष्यफल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे 2 फरवरी 2021 का राशिफल कल आपको। तो बने रहिए इस तक के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।